मानवता को शर्मसार करने वाली घटना यूपी के नोएडा से सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला को पीड़ा हुई तो वह बच्चे को जन्म देने के लिए नोएडा के तमाम बड़े अस्पतालों में कोख में पल रहे बच्चे को लेकर भटकती रही। लेकिन धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों को भी कोरोना का खौफ इतना है कि अस्पतालों ने महिला को इलाज के लिए भर्ती भी नहीं किया। इस दौरान महिला का पति महिला को एम्बुलेंस से लेकर जिले के 8 अस्पतालों में घूमा, लेकिन किसी ने भी महिला को एडमिट नहीं किया और उस गर्भवती महिला की तड़प तड़प कर मौत हो गई। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल खोड़ा निवासी विजेंद्र की पत्नी नीलम 8 माह की गर्भवती थी। नीलम की तबीयत अचानक बिगड़ी तो उनको सुबह 6 बजे नोएडा के सेक्टर 24 स्थित ESI हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसको एडमिट नहीं किया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार महिला को जिला अस्पताल में ले गया, लेकिन वहां भी उनको निराश ही लौटना पड़ा। उसके बाद फोर्टिस हॉस्पिटल, फिर उसके बाद JP हॉस्पिटल, फिर शारदा, जिम्स और आखिर में गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां भी गर्भवती महिला को एडमिट नहीं किया गया। महिला के परिजन बच्चे को जन्म देने के लिए नोएडा के तमाम बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोरोना का खौफ इतना बढ़ चुका है कि किसी भी अस्पताल ने महिला को कोरोना के डर से अस्पताल में भर्ती ही नहीं किया। लगभग 13 घंटे परिजन महिला की डिलीवरी के लिए इधर से उधर अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे। उम्मीद की आस लेकर परिवार एक बार फिर वापस ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल पहुंचा। तब तक शाम के 7 बज चुके थे और तब तक महिला ने दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ दिया था। पहले अपनी वाइफ को ESI लेके थे, ESI वालों ने बोल दिया कि जाके सेक्टर 30 ले आओ। सेक्टर 30 वाले कहने लगे कि वहाँ ले, क्या नाम है, शारदा में। शारदा के बाद फिर जिम्स ले गए। जिम्स वालों ने मना कर दिया कि हमारे पे कोई बेड खाली नहीं है। फिर घूम करके हम फोर्टिस आए, फोर्टिस वालों ने मना कर दिया। फिर हम वहाँ पर आए, क्या नाम है, उसमें मैक्स में। मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है। तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई। फिर जिम्स में लास्ट में पहुँचे, फिर उन्होंने वेंटिलेटर वगैरह लगाया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। नोएडा स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ये घोर लापरवाही सामने आई है। हालांकि मामले को जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए उपजिलाधिकारी मुनिंद्र नाथ उपाध्याय और नोएडा के CMO दीपक ओहरी को जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही कड़ी कार्रवाई के भी आदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। हमने कहा प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व और मुख्य चिकित्साधिकारी करेंगे। अगर किसी ने लापरवाही की है सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कोई भी अगर दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। चिकित्सा विभाग को संवेदनशील रहते हुए कार्य करनी चाहिए और जितने भी निजी चिकित्सालय भी हैं तो उनमें भी अत्यंत संवेदनशील रहते हुए कार्य करनी चाहिए। और काफ़ी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, बट जब ऐसे घटनाएँ होती हैं या बहुत ही एक इट लीड्स टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन फ्रॉम हॉस्पिटल ऑल्सो कि ऐसे घटनाएं होनी नहीं चाहिए। जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक महिला थी नीलम, 30 साल की, वाइफ ऑफ विजय, खोड़ा निवासी हैं, गाजियाबाद की। ये शिवालिक हॉस्पिटल में इनका 4 दिन से इलाज चल रहा था, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है। उसको शिवालिक हॉस्पिटल ने 5 तारीख को सुबह भेज दिया ESI में। वहाँ से जो है महिला कई जगह गई है और उसको किसी ने भर्ती नहीं करा। उसके कारण समिति बना दी गई है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारियों की जांच में कौन दोषी पाया जाता है और किसके खिलाफ कार्रवाई जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, Time 24 News। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।